अज असी बहुत ही इंट्रस्टिंग टॉपिक करने लगे हाँ जिद कि होगा सेंसरी इंपेयरमेंट होंगे जिस जिस जो बच्चा इस वेले विकारता के इंपेयर होगा इंपेयर हों की है कि विकारता होंगी है जोड़े बच्चे के कुछ ना कुछ जो नुक्स होंगे वो अकॉर्डिंग असं दसना है कि वो वाली चीज़ उन्होंने कहते होंगे क्यों होंगे तो उन्होंने असं की कर सकते उन्होंने लिए साडा मेन फोकस की रहेगा कि कहें कि वो जो बच्चे होड़े होना असं कि पहचान सकते हैं उन्होंने लिए असं की कर सकते हैं। सब तो पहले असं इंट्रोडक्शन विजुअली इंपेयर्ड जिन्होंने दिखाई देखने कोई प्रॉब्लम आँदी है हेयर जिन्होंने सुन प्रॉब्लम आती है आइडेंटिफिकेशन किदा कर सकते हैं इन्हां दी एजुकेशनल प्रोग्राम्स केड़े हो सकते हैं स्कूल्स उन्हां बारे की कर सकते हैं जिन उन्हां दी हेल्प किदा हो सकती है। हेयरिंग इंपेयर्ड कंक्लूजन द लास्ट कंक्लूजन सब तो पहला असीं देखते हैं सेंसरी इंपेयरमेंट होंगे की है। सब तो पहले सूँ पता कि जी साडे सेंस ऑर्गन्स होंगे टोटल फाइव होंगे फाइव कि होंगे नंबर एक जी साडे आइस आइस नाल की करते असं कोई भी चीज़ देख सकते हैं आइस नाल नोज़ नोज़ नाल असं कोई भी जी स्मैल असी जी कर सकते हैं जो फील कर सकते हैं कि स्मैल किदा दी है ठीक है। इस तो बाद साडा जो माउथ आ गया टंग आ भी साड़ी की है सेंसरी ऑर्गन्स जी आ जाती है। हेयरिंग हेयर के असं कुछ भी कर सकते हैं कि सुन सकते हैं कि सुन सकते हैं कोई भी चीज़ जी सुन सकते हैं उच्चा उच्चा जी आवाज़ सुन सकते हैं नीवी आवाज़ सुन सकते हैं कोई भी मतलब कि म्यूजिक सुन सकते कुछ भी चीज़ के अभी सुन सुन के सकते अपने कन्ना राही सुन सकते हैं। दैन लास्ट असं साड़ी तैयार हैंड हैंड मतलब कि असं कोई भी चीज़ टच करनी है सू असी कोई भी चीज़ छू के असं फील कर सकते हैं ना ये साड़ियाँ पंजे की है साढ़े को सेंस ऑर्गन्स है अगर इन्हों की हो सकता है हम सेंसरी इंपेयरमेंट की गल की आप पहला भी किया सेंसरी और सेंसरी जो सेंस ऑर्गन्स किन्ने होंगे साढ़े टोटल पांच होंगे बट असं गल कि करनी इंपेयरमेंट की अगर ये पंजा के बच्चों किसी भी चीज़ की कह सकते कि ठीक नहीं तरह काम कर सकता तो वो जी की कर सकते कह सकते कि जोड़ा बच्चा आ सेंसरी इंपेयरमेंट बच्चा आ यह सब तो एक विकारता पाई जाती है बाकी नॉर्मल बच्चों नालों की है जी चीज़ बच्चा ठीक नहीं हो सकता हो सकता उन्होंने कुछ दिक्कत ना हो उन्होंने देखने प्रॉब्लम सुन च प्रॉब्लम आ सकती उन्होंने कोई चीज़ टच कर प्रॉब्लम आ सकती है ठीक है। अगे असं देखते हैं ये बारे सेंसरी इंपेयरमेंट चाइल्ड सानू असी पिछे गल करके आए कि जो बच्चे पांच तरह दी होंदी है हो सकता उन्होंने देखो सुनता नहीं है अच्छे तरीके वो देख नहीं पाता है वो टच करके नहीं देख सकता ठीक तो ये की सारे की हो सकते हैं सेंसरी इंपेयरमेंट हैगी है। इंट्रोडक्शन के जो आप पिछले गल सारी कर दी है वो यही सेम चीज़ ही लिखी हुई है कहते सेंसरी इंपेयरमेंट इज़ वैन वैन वन ऑफ यूर सेंस साइट हेयरिंग स्मैल टच टेस्ट एंड स्पिरिचुअल अवेयरनेस इज़ नो लॉन्गर नॉर्मल ये चीज़ा की है सारे तो की नॉर्मल नहीं होंगे अगर इन्हें यह किसी के पाई जाती है तो अभी कह सकते हैं कि वो वाला बच्चा जो सेंसरी इंपेयरमेंट बच्चा है वो की कर सकते उन्हें प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत हैगी है। एग्जाम्पल की है कहते इफ यू वेयर ग्लासिज यू हैव साइट कहते अगर कोई कोई भी बच्चा है कोई भी हैगा आ परसन वो की अपनी जी एनक लगवा एनक लगा मतलब कि उन्होंने अच्छे तरीके नहीं दिखता पाया तो जे कोई जिहड़ा सुनने के जिन्होंने प्रॉब्लम आती है जन्ना के कोई शिकायत हेयरिंग एड लगाया जिन्हें जिद ना वो सुन सकता है कोई भी जी नॉइस जी साढ़े तो सुन सकता है इट मीनस उन्होंने की वो की होगा वो की है हेयरिंग के नाल प्रॉब्लम उन्होंने की कर सकता हेयर इंपेयरमेंट चाइल्ड होगा अगर ठीक है। हेयरिंग इंपेयरड चिल्ड्रन असी दे सू पता कि ये वाले बच्चों के सुनने के होंगी है प्रॉब्लम होंगी उन्होंने उन्होंने चंगे तरीके नहीं सुनता हो सकता कि उन्होंने बहुत उच्ची आवाज़ में सुनता हो सकता कि असी जे थोड़ा हौली बोलते उन्होंने तद भी सुन जाता हो कि बहुत कोशिशों के बावजूद भी कि कभी वाले इन्हों नहीं सुनता है तो इन्होंने लिए कि स्पैशल जी हेयरिंग एड बने होंगे उन्होंने वो वाले दिते जाते हैं ठीक है। हम अभी कहने ये कहते हैं हेयरिंग इंपेयरमेंट इज डिफाइंड बाय आइडिया हूँ की है यदि डेफिनेशन दी हुई है किदा है देखो हेयरिंग इंपेयरड चिल्ड्रन जिन्हों चंगे तरीके सुनता नहीं है जो उन्होंने लिए ना उन्होंने की होंगे उन्होंने प्रॉब्लम आती है उन्होंने अपने एनवायरमेंट में एडजस्ट करने प्रॉब्लम आती है इवन एनवायरमेंट ही नहीं उन्होंने की अपने पूरे संसार के एडजस्टमेंट करने के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आदि है वो दूसरे बच्चों के नाल इन्ने तरीके घुल मिल नहीं सकते हूँ उन्होंने की हो सकता है उन्होंने की है स्पैशल की किया जाता है हेयरिंग एड प्रोवाइड करवाई जाते हैं ताकि उन्होंने की है सुन सके ज अपने की है दूसरे दूजे बच्चे नॉर्मल बच्चों नालों अपने आप को जिहड़ा आ घटिया फील ना करन जां उन्होंने सुनता नहीं इदा दी जिहड़ी उन्होंने मन दे विच कोई गल ना आवे कहिंदे इहदी जिहड़ी डेफिनेशन दित्ती गई आ आइडिया द्वारा की कहिंदे आ कहिंदे जिहड़ा की हो सकता है कि असी जिहड़े आ उन्हां बच्चों नूं असी कह सकते हैं कि जिहड़े इन्हां नूं सुनन दे विच इन्हां च विकारता पाई जाती है कि जिन्हां दे विच इह जिहड़ी विकारता आ इह की हो सकदा इह स्थाई भी हो सकती है तो इह की हो सकती आ उतरा चढ़ा वाली भी हो सकती है ना इह वालियां चीज़ां जिहड़ियां कि बच्चे दे विच की कर सकती है एजुकेशनल परफॉर्मेंस दे विच की आ इफेक्ट पाउंदियां प्रॉब्लम क्रिएट करदियां आ दैन उहनूं असी की कह सकते कि इह जिहड़ा की हो सकता है ये की है हेयरिंग इंपेयर्ड चिल्ड्रन बच्चा है जिहड़ा उन्होंने की है विद्यक अदारे विच की कर सकते हैं अपने गोल अचीवमेंट करन दे विच प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं।
पार्ट्स ऑफ हेयरिंग इंपेयर्ड चिल्ड्रन जिन्हें जिन्हें बच्चों को सुनता नहीं असं उसको की कहते हैं चार पार्ट के उन्होंने क्लासीफिकेशन कर दी। नंबर एक की ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, नंबर दो है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस, नंबर तीन से असं की कहने ऑन द नंबर तीन है ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ ऑनसेट, नंबर चार ऑन द बेसिस ऑफ ऑफ लैंग्वेज एक्सपीरियंस। ये बारे डिटेल में जानने तो पहले असं सूँ इन्ना पता होना चाहिए कि जी प्रोसैस ऑफ हेयरिंग है की हूँ आ प्रोसैस ऑफ हेयरिंग असं एयर जी तीन जो साढ़े कन्न तक साउंड कि पहुँचती वो प्रोसैस की है साढ़े कि जी सू पता लगता कि असं कोई भी चीज़ सुनी है या कि भी है ना। ये तीन तीन तरीके असं कर सकते हैं। नंबर एक तीन पार्ट के डिवाइड किए, नंबर एक की है साढ़े तो आउटर एयर, नंबर दो है साढ़े तो मिडल एयर, नंबर तीन है साढ़े तो इनर एयर। नंबर एक जो असं बोलिया है कि जो आउटर एयर कोई भी साउंड है असं कन्न राही की है जाती है साढ़े ठीक है। तो नंबर दो जो मिडल एयर आ मिडल एयर के होंगे साढ़े जो एयर ड्रम होंगे उन्होंने जो बाद जाके की है जो टकरा जाती है तो एयर ड्रम के वाइब्रेट हो जाती वाइब्रेशन हो जाती है ठीक है। तो नंबर जो तीन की है सब तो इन्होंने इनर एयर आ साढ़े जो अंदरूनी भाग हों कन का जो अंदरूनी भाग हों की हों कि जी अगेन वाइब्रेट करती है दैन सूँ पता चल जाता कि वो चीज़ असी कोई भी आवाज़ साढ़े कन तक पई है। दसो जो हेयरिंग प्रोसैस किन्ने पार्ट के डिवाइड किया, तीन पार्ट के डिवाइड किया है। नंबर एक आउटर एयर इनर एयर, नंबर तीन तो की है साढ़े तो मिडल एयर आ गया ठीक है। हम अभी देखते हैं वन बाय वन देखते हैं कितना जी चीज़ होंगी ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन लोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ लोकेशन ठीक है। देखो ये इन अगेन की है चार पार्ट के डिवाइड किया है, चार पार्ट के है ये कहते ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ प्रॉब्लम। नंबर एक कंडक्टिव हेयर हेयरिंग लॉस, ये वो बच्चे जिन्होंने की होंगे सर तो पहले दो सर तो की है आउटर एयर, नंबर दो की है सर तो आउटर के नाल नंबर दो आ जाता है मिडल एयर के होंगी प्रॉब्लम पाई जाती है। तो अभी की कह सकते हैं कि वो जी चीज़ की कंडक्टिव हेयरिंग लॉस आ जाता वो है ना। तो ये प्रॉब्लम दी प्रॉब्लम कहते हो सकती है कोई ट्यूमर हो सकता है, एयर वैक्स की हो सकती है ना, या एयर फॉर्मेशन हो सकती है जिदे की उन्होंने बच्चे सुनना घट गया जो सुनता नहीं है ठीक है। तो ये की कर सकती है इनर एयर जो साउंड जी चीज़ है सारी ये दोनों चीज़ें की कर सकती हैं। जो हमें बड़ी प्रॉब्लम ना उन्होंने कंडक्टिव हेयर लॉस के नाल जो हो गया तो असं की कह सकते हैं कि वो जी जी साउंड की कहते इनर पार्ट के जाने तो रोक दें। इनर पार्ट के जो आवाज गई नहीं तो फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए किसी को पता ही नहीं लगना की बोलिया की किया है ठीक है। तो सिर्फ की हो सकता फेस एक्सप्रेशन तो जज कर सकते हैं, समटाइम ओके हो जाती वो भी तो सही नहीं होंगे है ठीक है। नंबर दो कि आ सकते हैं सेंसरी न्यूरल लॉसिस, ये भी कहने अभी जो कि हो सकते ये वाला की करते सर जो इनर पार्ट है इनर पार्ट में जो इफेक्ट करते हैं ये की कर सकते हैं। यदा सोल्यूशन अभी जो उपर वाले कंडक्टिव असं ठीक कि कर सकते हैं, जहाँ तो अभी की सर सर्जिकल हो सकता है जहाँ की हो सकती है जोड़ा है मैडिसन के नाल जी प्रॉब्लम ठीक किया जा सकता है। जो नंबर दो वाली की है सेंसरी न्यूट्रल आ न्यूरल आ हेयरिंग लॉस ये की कहते हैं ना तो ये सर्जिकल हो सकता है ना ही ये मैडिसन, बट ये इन अभी ठीक कि कर सकते हैं ये की है हेयरिंग जोड़े की है एड आ जाते हैं थ्रू असं की है यू असं ठीक कर सकते हैं। नंबर तीन आ जाता है मिक्स हेयरिंग लॉस, मिक्स के असं उपरले जो दोनों का क्या मिक्सचर कर देना दोनों ऐड करके तीसरा जो बन जाता है कंडक्टिव हेयर लॉस भी प्लस सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में जो असं तिना कर दें ऐड दोनों ऐड करके असं तीसरा जो लिया सकते हैं। हम ये की है किसी भी बीमारी हो सकती है बीमारी डिजीज़ हो सकती है जिदे की हो सकती है जो प्रॉब्लम्स होते हैं। हम जो बीमारियां डिजीज़ कि सूँ पता है कि जो कोई भी ट्यूमर हो सकता है जी हेयर अपनी जी एयर वैक्स जो करवा लें वो हो सकता है ना, इन्हों असी ठीक कर सकते हैं ठीक कर सकते हैं ये थ्रू हेयरिंग एड के थ्रू। नंबर दो की आ जाता ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस, ये ध्यान नाल देखो ये इन्होंने पार्ट्स के डिवाइड मेन चीज़ के कि जी इन्हों डिवाइड किया हुआ इन्हों की सूची के अकॉर्डिंग जितना भी है और सूची दी कहने से भारत सरकार ने दी कदों दी 6 अगस्त 1986 के वाली दी सी और ये की है दो हो सकते हैं एक डीफ हो सकते हैं एक की हार्ड ऑफ ईयरिंग डीफ कि हो सकती है जिन्होंने पूरी तरह जो बहुत घट सुन जो पूरी तरह ही नहीं सुनता है। ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ ऑनसेट नंबर एक की है कॉन्जेंटल डीफ एंड नंबर दो की आ जाता है एक्वायर हेयरिंग लॉस। पहले के किसी बच्चे के जी सुन संबंधी विकारता तो उत्तर जीवन के किसी भी पड़ाव के हो सकता है जन्म समय की हो सकता है कि उन्होंने सुनता नहीं होगा असं कह सकते हैं जहाँ हो सकता कि जन्म तो बाद कि किसी भी स्टेज पर जागत सुन की समर्था खो बैठा। जे जन्मजात की असी गल की जाए जन्मजात के जन्मजात के समय इट मीनस कि वह जो बर्थ होया सुनता नहीं उस समय उन्होंने की सुन प्रॉब्लम आँगी सी तो प्रॉब्लम कहते हैं कि हो सकता उन्होंने बर्थ इंजरी होगी
है ना, उस लो बर्थ वेट है ना, ज़्यादा अलकोहल तो ड्रग का जो यूज़ किया हो उस प्रैगनेंट लेडी के द्वारा है ना बर्थ इंजरी हो सकता है कि जो कई बच्चे इदा के होंगे कि जो उन्होंने बर्थ हों और बाद हो जाता उन्होंने पीलिया हो जाता जी कोई भी प्रॉब्लम होर प्रॉब्लम आ जाती है जिन्हों के करके की हो जाता है उन्होंने ये जड़िया सुन की समर्था हो जाता है। नंबर दो की सी एक्वायर हेयरिंग लॉस हो सकता है कि जो बच्चे का बर्थ होया उस समय तो बिल्कुल ठीक है उस समय बिल्कुल ठीक है बट बाद कि कुछ इनवायरमेंट फैक्टर जोड़े इफेक्ट कर गए उस समय की हो कि उन्होंने की है कि सुन की समर्था जी उस टाइम घटती ही घटने हौली हौली घटने के बिल्कुल ही चली गई हो गई कोई भी दुर्घटना हो सकती है जो भी होर प्रॉब्लम हो सकती है हो सकता है कि जो एयर के आउटर के इनर पार्ट के कोई इदा की सट लग गई जो भी इदा की बीमारी हो गई जिद की हौली हौली वो जी अपनी सुन की समर्था घट हों गई। अगे असं देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एक्सपीरियंस ये इन भी अगर दो पार्ट्स के डिवाइड किया है प्री लैंग्वेज लैंग्वेज हेयरिंग लॉस के पोस्ट प्री मतलब कि बर्थ तो पहला तो पोस्ट मतलब बर्थ तो बाद है ना प्री लैंगुएज मतलब कि जोड़े आ किसी बच्चे के हो सकता है कि उन्होंने बर्थ तो पहले ही नहीं सुनता बर्थ समय नहीं सुनता होगा ठीक है उन्होंने भी कि बहुत थोड़ी सुनता होगा जो थोड़ा थोड़ा सुनता होगा ज बिल्कुल ही नहीं सुनता होगा है ना उस समय उन्होंने बोलने तो पता लग जाता उसे जी की उन्होंने गलबात करने छोटे बच्चे आप जो उन्होंने जो रौला पाँदा है चीखा मारता ज कुछ भी इतना छोटे बच्चे करते सूँ पता लग जाता ना कि बोलने तो पता लग जाता है कि इन ये की प्रॉब्लम तो नहीं कोई छोटे बच्चे थोड़ा हल्का हल्का के बोलते हैं मतलब कि रुक रुक के बोलते हैं कोई एकदम ही बोल देंगे है ना उन्होंने गलबात तो पता लग जाता है कि इन्होंने की इन्होंने सुनता चंगे तरीके है या नहीं है इन्होंने हेयरिंग इंपेयर्ड बच्चा तो नहीं है नंबर दो तो पोस्ट ये की है ये की है कुछ इनवायरमेंट फैक्टर के अंडर आ गया ही तद इन्होंने की है इन्हें अपने की किया सुनता नहीं है बर्थ तो बाद कोई इदा द मतलब कि हो जाते हैं कि उन्होंने धुनिया जड़िया साउंड जड़िया कर दया तो वह नहीं सुनदियाँ है तो जो उन्होंने की है भाषाई योग्यता तो पता लग जाता भाषाई योग्यता इतनी कि उन्होंने गलबात के करने के तरीके तो पता लग जाता कि इन्होंने की सुनता नहीं है जो उन्होंने की है कोई प्रॉब्लम हो रही है ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेयरिंग इंपेयर्ड चिल्ड्रन कहिंदे देखो अज के जिहड़ी टैक्नोलॉजी का सिस्टम आ इन्नी ज़्यादा साढ़े को जी लगातार वाधा होया साडी टैक्नोलॉजी के कि उन्होंने की किया है कि जिहड़े बच्चों नहीं सुनता उन्होंने विकलांगता की पछाण की है जो उन्होंने पछाण करके उन्होंने बहुत सारिया इदा दुझाव भरिया तकनीक दसियां जिन्हों इन्हों की विकारता खत्म किया जा सकता है ज कुछ हद तक इन्हों कंट्रोल किया जा सकता है वो कि तकनीक हो सकता है जे इन बारे अं देखते हैं कहते हाई रिस्क रजिस्टर और इट मीनस कि कहते जिन्हें बच्चों सुनता नहीं है उन्होंने कमजोरी को पछाणिया जाता है तो जो उन्होंने पछाणे कि हो सकता उन्होंने जी की हो सकती है इनफेक्शन होवे है ना इनफेक्शन होवे इनफेक्शन नक् कन्न गले जां फटे हुए वुल तालू दे विच मतलब कि साड़ी सेंसरी जिहड़े सेंस ऑर्गन्स दे विच कोई भी प्रॉब्लम्स होवे उन्हां दी पछाण की जाती है और उन्हां दी पछाण करन तो बाद उन्हां दे एक की ऑडियोलॉजिकल टैसटा द्वारा उन्हां दी जांच की जाती है जांच करन तो बाद उन्हां दा सल्यूशन कढ़िया जाता है तो उन्होंने बहुत सारिया जिहड़ियां फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जांदियां हन। नंबर दो की है स्क्रीनिंग प्रोसीड्योर है ना जिहड़ी स्क्रीनिंग प्रक्रिया आ कि जो ये की हुंदा आ ये छोटे बच्चों पर लगाई जाती है कि जो बच्चा सोंदा आ तो उन्होंने देखा जाता है भी उन्होंने आवाज़ जो कटी जाती है तो उस समय देखा जाता है कि उस बच्चे सुनता है उत्तों मतलब क्लीयर किया जाता है कि बच्चे सुनने समर्था वो किन्नी क हैगी कई बच्चे जो सौंदे होंगे उन्होंने लागे शोर नहीं करते हैं है ना ता जो वो उठ ना जाए जो कि भी उत्तों क्लीयर हो जाता कि बच्चे सुनता है ठीक है। नंबर तीन की आ ट्यूबोग्राम तकनीक टैक्नीक्स है ना इस तकनीक के कहें कि साउंड बॉक्स में किया जाता एक साउंड बॉक्स हों जो बच्चा आ जिन्हों मतलब कि जाका सूँ नहीं सुनता जो कि भी है ना वो की कहने सू कन्फ्यूजन आ हूँ उस कन्फ्यूजन को दूर करने लिए उस साउंड बॉक्स में किया जाता बच्चे के जोड़े की किया लागे रखा जाता है और वो रिकॉर्डिंग की जाती है जो तो कुछ मतलब कि वो आवाज़ कि छी जाती है 92 dB तो 0 dB आवाज़ पैदा होंगी है तो बच्चे की प्रक्रिया देखते हैं कि फिर बच्चे की देखते कि प्रक्रिया होंगी है ज नहीं है इतों क्लीयर हों। नंबर चार की कहना इलैक्ट्रो एन स्पैलोग्रेव ये की कहना कि बच्चे के टैसट लगाए जाते हैं हूँ वो टैसट लगाने कि बच्चे सुनता ज नहीं पछाण करनी है बच्चों सुनता ज नहीं ये किया जाता है तो
पर जिहड़े ऑडियोमैट्रिक टैसट लगाए जाते हैं बच्चे के मोस्टली 6 महीनों के बच्चे की बच्चा जिहड़ा तो पता लग जाता है कि क्लीयर आवाज़ ये सुनता जां नहीं, तो जे उहदे व्यवहार उहदे तो पता लगता है कि किस तरह का वो बिहेव करता है, उहदी आवाज़ तो क्लीयर हुंदा है जां उस तो पता लगता है। इस तो बाद 6 महीनों तो बाद की कहना ऑडियोमैट्रिक्स टैसट इहदे ते लगाए जाते हैं। अगे की आ न्यूरो साइकोलॉजिकल टैसट, न्यूरो साइकोलॉजिकल टैसट कहे कि जेडे आ बच्चे का देखा जाता कि वो जेडे आते दिमाग की जी प्रक्रिया दिमाग तंतु कह लो कार्जा तो मुलांकन करना है वह बच्चे बच्चों को कि सुनता ज नहीं है कि वो कोई दिमागी प्रक्रिया तो नहीं कोई खराब हैगी दिमाग ज दिमागी लकवा तो नहीं है कि असं कहते हैं कि उन्होंने सुनता नहीं है, हो सकता कोई वो मैंटली तौर पर ना वो ठीक हो, है ना। अजिहे बच्चों के लक्षण सारे पता करने कि इन्हें की बिकारता की प्रॉब्लम हो रही इन्हां दे विच, है ना। तो इन्हां नूं ध्यान विच रख्या जांदा है, तो असमर्थ बच्चों का जिहड़ा पछाण की जाती तो उन्होंने दाते उन्होंने सूची के अकॉर्डिंग उन्होंने लिस्ट तैयार की जाती है, दैन उन्होंने ट्रीटमेंट किया जाता है। इस तों बाद किया जाता है केस स्टडी। केस स्टडी के विच की हुंदा है कि यह जिहड़ा कि मनोविज्ञानियों द्वारा किया जाता है कि एक इंडिविजुअल बच्चे का की किया जाता है, एक बच्चे का इतिहास जाणिया जाता है। इतिहास मतलब कि पिछे उन्होंने की है कि उन्होंने सक्सैस सी की, उन्होंने नैगेटिव पॉइंट सके की, पॉजिटिव सके कि यह व्यवहार से वो जो सारा कुछ जानने के की कुछ उन्होंने अचीव किया है ना, तो यह कुछ सारा कुछ जानने के लिए किया जाता है। उन्होंने सीधा संपर्क किया जाता है, जो डायरैक्टली देखा जाता है, उन्होंने की किया जाता है आल एनवायरमेंट जिहड़े उन्होंने टच में है ना, उन्होंने तो उन्होंने नाल गलबात राही उन्होंने तो उन्होंने उस बंदे का की किया जाता है, उस बच्चे का सारा ही डाटा कलैक्ट किया जाता है, दैन पछाण की जाती है ना। तो फिर उस देखा जाता है वो की ध्यान में रखा जाता कि प्रेजेंट टाइम के किस प्रॉब्लम के नाल जिहड़ा आ किस प्रॉब्लम फेस करता पाया आ, वो जो पास्ट विच कोई की है उन्होंने कोई डिसीज़ तो नहीं सी, कुछ सर्जिकल ऑपरेशन तो नहीं उन्होंने होया है, जो परिवार के कोई यहोजी प्रॉब्लम तो नहीं हुई हैगी जिस तरीके उन्होंने सुनता नहीं है, ठीक है। अगे की आ जाता है मैडिकल एग्जामिनेशन, मैडिकल चैकअप करना चाहिए आ। डॉक्टर की करते हैं जिस बच्चे नहीं सुनता है उन्होंने कोई भी प्रॉब्लम आ, उन्होंने देखते हैं कि इन्होंने केड़े अंग कार्य करते हैं कि नहीं कार्य करते, अगर सुन दोष जोड़े पाए जाते हैं जो उन्होंने नहीं पता लगता सुनता नहीं है तो उन्होंने विकार वेखे जाते हैं, दैन उन्होंने ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर इन्हों की चैकलिस्ट लास्ट से आ जाता है कि चैकलिस्ट, हुण इसकी चैकलिस्ट इट मीनस कि यह की होंगी है बच्चे का सारिया लिखनिया है कि यह सुन सुनता नहीं उन्होंने प्रॉब्लम हैगी, कहने दी सी ये कहें NCERT राही नवी दिल्ली द्वारा विकसित किए थे कि ये प्रॉब्लम जेकर बच्चे है दैन वो क्या सुन के असमर्था ज उन्होंने की हेयरिंग इंपेयर्ड बच्चा कि बच्चा असं देख सकते कि वह क्लास के स्कूल जो क्लास के प्रेजेंट बच्चा आ वो किसी वर्ड न टीचर बार बार दोहराने लिए तो नहीं कह रहा है ना, वो जिहड़ियां चीज़ा की कर रहा बच्चे कन्ना का देखण जो कहिंदे कि बच्चे दे जिहड़े आ कन्न वो देखण असी देखते हैं कि बच्चे दे जिहड़े कन्न आ वो कोई बीमारी दे नाल कुछ बाहरों असी देख सकते कि इहनूं प्रॉब्लम हैगी आ, सानूं दिखती पई आ विजुअली, ठीक है ना, कि इहनूं प्रॉब्लम आ, ठीक है। अंदरूनी तो असं नहीं देख सकते, वो तो हैल्प ऑफ डॉक्टर के नाल ही असं कह सकते है ना, तो फिर जी बाहरों असं खुद देख सकते हैं वह भी तो प्रॉब्लम हैगी है कि हो सकता है इनू ये वाली प्रॉब्लम नहीं सुनता होगा कि बच्चे के कान में कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, मतलब कि कोई सट वज गई है जो ब्लड हो रहा है कुछ भी हो, है ना। ये बच्चा अपने कन में हर समय दर्द है, किसी का कहता है कन हमेशा दुखदा ही रहता है, हो सकता है कि वो जी उन्होंने सुनने प्रॉब्लम जो दुखदा ही रहा हो सकता उन्होंने जी अंदरूनी कोई बीमारी हो इस करके उन्होंने सुनने प्रॉब्लम आती है। एजुकेशनल नीड ऑफ हेयरिंग इंपेयर्ड चिल्ड्रन कहें होम बेस्ड प्रोग्राम होने चाहिए है, स्पैशल स्कूल प्लेसमेंट होने चाहिए कि अजिहे बच्चों मतलब कि स्पैशल स्कूल के रखा जाना चाहिए है जिते कि हर एक फैसिलिटी जी अवेलेबल हैगी भी कर सकते हैं अजिहे बच्चों के रह के अपने आप को जोड़ा है वधिया कर सकते हैं। उन्होंने लिए की कहते हैं स्पैशल क्लासेस एंड रेगुलर क्लास कंबीनेशन, उन्होंने की स्पैशल स्कूल के नाम होने के नाल स्कूल के स्पैशल क्लासा भी लगिया जाने चाहिए जिंद की हेयरिंग एड्स होनी चाहिए और वो क्लासा जो रेगुलर लगियां चाहिए आ, जब जो हर एक चीज़ के बच्चा पार्टीसपेट करके अपने आप को जो इंडिविजुअली स्ट्रोंग कर सके, है ना।
इंटीग्रेटेड क्लास। इंटीग्रेटेड मतलब कि उस क्लास के हर एक तरह का बच्चा होना चाहिए। यही है कि अगर जिन्होंने सुनते नहीं बस क्लास के टोटल स्ट्रेंथ जी उन्होंने बच्चों ही भरी होगी, नहीं हर एक के नाल होने चाहिए है वह क्लास के बच्चा होना चाहिए है। ठीक है, यूज ऑफ हेयरिंग एड। हेयरिंग एड की है जिन्हें बच्चों ने सुनता नहीं हो तो उन्होंने इदा के जेडे सर्टो जंतर होने चाहिए है, टी हेयरिंग एड होना चाहिए जिन्हें जिन्हें यूज़ करके वो जरा अपनी जी एजुकेशनल एजुकेशन जी प्रॉपर तरीके गेन कर सके। तो उन्होंने नाल की होना चाहिए है वधिया तरीके टीचर का भी बिहेव होना चाहिए और नाल दे जिहड़े पीयर ग्रुप का भी चंगा जिहड़ा है उन्होंने रवैया होना चाहिए है। साइन लैंग्वेज होनी चाहिए है। साइन लैंग्वेज मतलब कि हुण असीं देखते हैं कि जिहड़े आ साडे न्यूज़ चैनल भी इदां दे हैगे आ जिते कि साइड पर की है एक साइन दिंदे आ जिद्दां इशारियां राहीं उह चीज़ समझाउंदे आ। उह कदे समझाउंदे जिन्हां नूं कि सुणदा नहीं एटलीस्ट उह देख के तां चीज़ समझ सकदे आ। उह प्रॉपर उन्होंने लिए एक बनाई हुई आ, मतलब कि साडे इंडियन दे विच साइन लैंग्वेज हैगी आ, जिन्हां नूं सुणदा नहीं उह देख के चीज़ नूं अपनी नॉलेज नूं गेन कर सकदे। ठीक है, नंबर अगे देखो अगे की हैगी वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए है। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब की है कि जेडे किता उन्होंने अजही हूँ जिन्होंने सुनना नहीं है कि बख बख माहिरां द्वारा इन्होंने बच्चों लिए कहते किता में सिखलाई होनी चाहिए जो पर जोर देना चाहिए कि अजे बच्चे हूँ अगे जाके की कर सकते हैं उन्होंने इन्हों की यूज़ करके इन्होंने चीज़ों को सीख के अपने पैरों पर स्टैंड कर सकते हैं कि अपने आप में अपने आप में हर एक दे विच की है पार्टीसपेट के लिए अगे लैके आन है ना, तो उस अपने आप इंडिविजुअली सोशली स्ट्रोंग कर सकन उन्होंने डेवलपमेंट हो सके। अगे ऑडिटोरी ट्रेनिंग मतलब बख बख धुनिया का जिदा जुड़िया होंगे ना साउंड होंगे उन्होंने सिखलाई दी जानी चाहिए है ना, उन्होंने सिखलाई दी है कि बच्चा आवाज़ तद चो बच्चा आवाज़ की बखरेमिया पछाण सके कि कितने जी स्पीड जी हाई जाती है या कितने जी साउंड लो जाती है। ये इन्हों करके उन्होंने चीज़ा भी सिखाई जानी चाहिए स्कूलों के स्पैशली। फिर कि नर्सरी एजुकेशन दी जानी चाहिए है इन्हों की है, नर्सरी एजुकेशन मतलब फॉर्मल के नाल इनफॉर्मल एजुकेशन भी जी प्रोवाइड करवानी चाहिए है गैर रस्मी सिक्ख्या है ना, जिमें कि बच्चों की लड़ अनुसार उन्होंने हर एक फैसिलिटी सुविधा देनी लाजमी होंगी है तद जो कि अपने आप को कॉन्फिडेंस उन्होंने आ सके तो जरा कि बाकी बच्चों के नाल कि अपना जोड़ा है एकीकरण कर सकन दूजे बच्चों के नाल जोड़ा है कोपरेट कर सकन। क्लासरूम अरेंजमेंट होनी चाहिए है, क्लासरूम अरेंजमेंट इट मीनस कि इन्होंने बच्चों को श्रेणी में सब तो अगे बिठाना चाहिए अगे बिठा दे बिठा के ये अध्यापक के बिल्कुल नज़दीक बिठाना चाहिए है जो इन्ना भी नज़दीक ना बिठाया जाए कि बिल्कुल ही मतलब कि उन्होंने किसी डिफरेंट प्लेस से जाके प्रॉब्लम क्रिए जी उन्होंने फेस करनी पवे, डिफरेंस होना चाहिए है जिद कि उन्होंने कितने भी चल जाए तो वो किसी मतलब कि एकदम नेड़े आन के ना सुनना पवे या कि मतलब कि थोड़ी डिफरेंस उन्होंने तद भी सुन जाए है ना। कहें कि ज बोलते समय उस टाइम टीचर भी की चाहिए है क्लास के पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने जी सुर आ बोलन की साउंड ज़्यादा हाई भी नहीं जानी चाहिए लो भी नहीं चाहिए और बोलते समय एकदम ही नहीं घूमी जाना नहीं, उन्होंने भी कहना चाहिए तद जो एक टाइम पर खड़े होकर मतलब कि उन्होंने समझाना चाहिए है तद जो जरा जो अभी बोलते हैं वो ज़्यादा जोड़ा है डिफरेंस नहीं होनी चाहिए और टीचर के पढ़ाने समय कहनी तो कनी एक होनी चाहिए जिस तरह के कि वो बोलते पे है उन्होंने जिदा किसी टाइम कहना टीचर अपने हाथों के नाल इशारे करते हैं जो उन्होंने यहोजे उन्होंने एक्सप्रेशन फेस एक्सप्रेशन देने चाहिए नहीं तो बॉडी लैंग्वेज भी इदा की होनी चाहिए है। इन्होंने कई कई कुछ जानते समझाते कुछ जाते उन्होंने जोड़े आ बॉडी मूवमेंट उस कई वो चीज़ तो मैच नहीं करते हैं है ना, इदा नहीं होनी चाहिए। अगे आते वोकेशनल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट होनी चाहिए है, असं देख लिया वोकेशनल ट्रेनिंग दैन प्लेसमेंट ये प्रोविजन ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन होनी चाहिए है, रेजिडेंटल स्कूल होने चाहिए है, रिहायशी स्कूलों के अजे बच्चों को लाभ देना चाहिए है, स्पैशल क्लासेज होनी चाहिए हैं है ना, मेन स्ट्रीम स्कूलिंग असाइन मिनीम विजुअल टास्क उन्होंने विजुअल के जो टीचिंग एड जो भी प्रोवाइड करवाने चाहिए ऑडियो भी होनी चाहिए विजुअल भी होनी चाहिए, यही नहीं मतलब कि ऑडियो ज़्यादा होगी विजुअल है नहीं जब विजुअल ज़्यादा होगी ऑडियो नहीं हैगी कि भी है ना, ये प्रॉपर लैवल रखना चाहिए एडजस्टमेंट प्रॉपर होनी चाहिए है ना। पेरेंट्स कहते कि जोड़ा उन्होंने बच्चों के प्रति पेरेंट्स दैन टीचर का जोड़ा कि होना चाहिए है जो रवैया है ना वो एक सकारात्मक होने चाहिए है, यही नहीं हो कि उन्होंने कि कुछ रूड बिहेव किया जाए है ना, इदा का नहीं होना चाहिए उन्होंने पॉजिटिव जोड़ा है उन्होंने फील करवाना चाहिए है तो अपने दूसरे बच्चों नालों अलग महसूस न कर। क्लासमेट की अरेंजमेंट भी वधिया तरीके होनी चाहिए है जिदा आप देख लिया है। अगे सो देखो रोल ऑफ पेरेंट्स टीचर एंड स्कूल जिन्हें कि इस चीज़ के नाल कि बच्चे ग्रस्त है कि नहीं सुनता ज घट सुनता जा बिल्कुल ही नहीं सुनता हूँ उन्होंने प्रति अपना की होना चाहिए रवैया खुद का भी साढ़े पेरेंट्स का भी टीचर्स का भी दैन स्कूल का भी है ना, उन्होंने बच्चे की होना चाहिए पॉजिटिव रखना चाहिए उन्होंने प्रति प्यार नाल रखना चाहिए उन्होंने रखना चाहिए है। देखो हम इदा होना चाहिए कि अजे बच्चों को भी कहने साडे स्कूल का जोड़ा लैवल डाउन हो जाए या कि भी असं इदा के बच्चों अपने स्कूल के एडमिशन नहीं देनी चाहिए स्कूल के अजे बच्चों के लिए भी प्रॉपर जी एजुकेशन होनी चाहिए है और टीचर पेरेंट्स का रवैया भी जो बढ़िया होना चाहिए है। स्पीक क्लीयरली विद चिल्ड्रन बच्चों के नाल प्यार बोलना चाहिए इदा नहीं होना चाहिए कि जी टीचर की साउंड बहुत ज़्यादा चलती जाए कि है ना।
ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਟਰਾਈ ਟੂ ਸਪੀਕ ਵਿਦ ਡੀਫ ਔਰ ਬਟ ਕੀ ਆ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਡੀਫ ਚਿਲਡਰਨ, ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੀ ਆ ਚੈੱਕ ਔਨ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਔਫ ਹੇਅਰਿੰਗ ਏਡ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਆ ਕਰਵਾਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੁਛ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਤੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਯੂਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਸਰੀ ਇੰਪੇਅਰਡ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਪੋਰਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ, ਰੂਮ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਆ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ 'ਚ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਪਸ ਐਂਡ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਹੇਅਰਿੰਗ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਿਹੇਵ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। So thank you.